अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल समी भाई का जिसके कुरानदाजी में हमारा नाम निकला और है। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करते हैं कि जो चैनल निकल आए उनको सपोर्ट किया करें। यह हमारा भी यही तरीका रहा है कि हम जो भी चैनल निकलता था उसको मुकम्मल सपोर्ट करते तब हमारा नाम निकला है। बाकी अल्लाह ताला सबको जो है ना मेहनत करने की तौफीक दे और सबका नाम लिख दे, प्रोग्रेशन हो। हम सब यूट्यूब फैमिली हैं, हम सब साथ साथ तरक्की करें। तो ये अभी हम जो है कलर घर की तरफ रवाना हैं क्योंकि हमारा सफ़र अभी जारी है। तो अभी हमारा अभी नेक्स्ट जो आएगा वो कलर घर होगा। ये उसके पहाड़ी सिलसिला भी आपको दिखाते हैं। ये देखें अभी वो ज़बरदस्त व्यू है और हर तरफ हरियाली है और मोटरवे का बेहतरीन सफ़र है। ये कोई आगे वीआईपी मूवमेंट हो रही है कि उसकी सिक्योरिटी है, उसके साथ साथ हम भी जा रहे हैं। तो मोटरवे में तो ऐसा कोई मसला नहीं, जीटी रोड में तो रोड ये ब्लॉक या कोई और मसला होता है। यहाँ तो बस अपनी धुन में जाओ, मोटरवे का तो यही है। क्यों अभी तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से रोड खाली है, तो बस अल्लाह करे जी लॉकडाउन ख़त्म हो। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में हमारी दुआएं कबूल करें और ये जो भी है मुसीबत है आजमाइश है ख़त्म करें। तो अभी हम ये देख लें जी, माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त वे है और खाली। ये हमारी गाड़ी की स्पीड देखें जी, हम कहाँ पे जा रहे हैं, मोटरवे पे 160 अबव हो रही है और फिर भी जो है ना ऐसे पता चल चल भी नहीं रही है। तो मोटरवे में जितनी स्पीड हो इतना ही पता नहीं चलता। माशाल्लाह ये देखें जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फिर उसके बाद जो है ना पर्सनल है। बाकी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो नाम नहीं है, वैसे रोड की बाहर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है। चलो अल्लाह ताला ये भी बाहर है हमें लौटाएगा इंशाल्लाह। तो ये अभी देखें पहाड़ी सिलसिला शुरू हो रहा है हमारा। तो ये फिलहाल हम पहुँचे हैं कलर कार की तरफ। ये रेस्ट हाउस है, ये देखें जी माशाल्लाह कलर का आ रहा है। तो इसमें तो बड़ी रौनक हुआ करती थी लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ही जो है ना वो कोई ऐसी, क्योंकि गैदरिंग पे पाबंदी है और डिस्टेंस का ही मसला है। चलो अल्लाह ताला ये भी ख़त्म करे जी। तो ये फाइनली हम इधर आए हैं, ये हमारी गाड़ी है जो हमें सफ़र पे मूवमेंट करा रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो मान में रखे जी सबको। तो ये भी कलर घर की तरफ, क्योंकि अभी रमज़ान है तो ये झूले वगैरह भी बाकी खाली है और होटल का भी होता है सिस्टम, ये खुले हैं मुसाफरों के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा रोज़ा है तो हम तो चीज़ से बरी हैं। बस अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक दे। अपन माह रमज़ान भी ख़त्म होने वाला, आखिरी अशरा जारी है और बस अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ फरमाए जी। अल्लाह आसानियाँ ही फरमाए सब के लिए। तो ये हम फाइनली घर पहुँच आए हैं। ये तो ये देखें अल्लाह की रहमत हो रही है माशाल्लाह, देख लें जी। आज तो रोज़ा बहुत ठंडा हो रहा है, अभी ये शाम का ही टाइम है और शदीद बारिश लगी हुई है। बस अल्लाह की रहमत है जी, अल्लाह ताला बड़ा भी नियाज है जो हर काम हमारे लिए आसान करता है। रोज़ेदारों के लिए ज़बरदस्त मौसम हो गया है, अब तो सर्दी फील हो रही है, बहुत शदीद बारिश लगी हुई है। तो ये भी देख लें माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला का करम है, उसकी रहमत जारी और सारी है। और बारिश हर तरफ शदीद तरीन बारिश है और अल्लाह की रहमत है, माह रमज़ान है
और माशाल्लाह जी हमारा तो इधर ज़बरदस्त मौसम हो गया है, और वैसे भी सफ़र की थकावट थी, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो ये देख लें जी कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तो हम भी बारिश को एंजॉय करते हैं, आप भी करें, और दुआ में याद रखेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।